चला बजाए और ये ऑफिशियली मैच की शुरुआत हो गई है और मुझे बताया गया है कि वो भी उन्होंने भी ये गेम खेला है खेली और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी यहाँ टीम में पहुंचे हुए हर एक बच्चे जो है टैलेंटेड है और आगे जरूर निखर करके आएंगे और देश और अपने राज्य का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। 67वां नेशनल स्कूल गेम का आज शुरुआत बिहार में हुआ है और इसकी शुरुआत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो है खुद यहां पर पहुंचकर तमाम खिलाड़ियों का जो है उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में इस खेल को, कई स्टेडियम है उसमें एक ऊर्जा स्टेडियम है वहां पर भी जो मैच है उसका आयोजन किया गया है। कई स्टेट के टीम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान हो या फिर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश हो, केरला हो, पंजाब हो, तो अलग अलग स्टेट के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बिहार में पहुँचे हैं और बिहार में लगातार खेल को बढ़ावा देने को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो इसको लेकर लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने पिछले कैबिनेट में ही खेल का एक नया विभाग बना दिया है। पहले जो है वो कला संस्कृति युवा विभाग के साथ था, जिसके बाद जो है अब जो है वो खेल को अलग कर दिया गया है और अब इस जो है लगातार बिहार में खेल को बढ़ावा देने को लेकर जो है सरकार, राज्य सरकार जो है वो कार्य कर रही है और जो लोग खेल में मेडल जीत कर लाते हैं राज्य सरकार उनको जो है वो नौकरी भी देती है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो है वो तमाम चीज़ों का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों का जो है मनोबल बढ़ाया है। लोगों को देखभाल के लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए सारे काम हम लोग पूरा करेंगे और काफ़ी स्कूल के यहाँ बच्चे हैं, ठंड ज़्यादा है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप सब लोगों को इतने दिल से खेली और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी यहाँ टीम में पहुँचे हुए हर एक बच्चे जो है टैलेंटेड है और आगे ज़रूर निखर करके आएंगे और देश और अपने राज्य का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। तो आप सब लोगों को हम स्वागत करते हैं और स्कूल के ज़माने में जैसे आप लोग यहाँ खड़े हैं वैसे हम भी खड़े हुआ करते थे। आईपीएससी टूर्नामेंट होता था और बड़ी खुशी की बात है कि उस समय के मॉडर्न स्कूल के बाराखंबा के कोच यहाँ हमको मिले, मिस्टर नवीन चोपड़ा सर, तो बड़ी खुशी हुई उन लोगों को भी देख करके। तो आप सब लोगों को हम बेस्ट विशेस और अच्छे से खेलिए और आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन को मेंटली टफ रहना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ फिजिकली टफ तो रहना ही पड़ता है लेकिन जब गेम आप खेल रहे हो तो मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मैच शुरू हो और आप सब लोग मजबूती के साथ खेलें और बेस्ट विशेस, बहुत बहुत धन्यवाद।